नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। महाराष्ट्र और हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव, जिनकी वोटिंग अब खत्म हो चुकी है, 19 अक्टूबर का अब सबको इंतजार है। लेकिन अगर यहां पर तमाम सर्वे या एग्जिट पोल की बात कर ली जाए तो बीजेपी को अच्छी खासी बढ़त यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर महाराष्ट्र की बात करें तो चेहरा जो बीजेपी के पास नहीं है, जिसका आरोप पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने झेला है, उसके बाद अब यह सवाल आ खड़ा हुआ है, अगर तमाम एग्जिट पोल और सर्वे की बात मान ली जाए तो मुख्यमंत्री का वो कौन सा चेहरा होगा जो बीजेपी के सामने या बीजेपी के द्वारा यहां पर सामने रखा जाएगा। साथ ही साथ अगर हरियाणा की बात कर ली जाए, क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं संशय यह बना हुआ है कि क्या बीजेपी पूर्ण बहुमत में आ पाएगी, या फिर इनेलो का साथ लेना पड़ेगा, या फिर किन्हीं और साथियों की वहां पर तलाश करनी होगी। लेकिन सवाल बीजेपी के सामने वहां पर भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा महाराष्ट्र में है, यानी चेहरा मुख्यमंत्री का कौन होगा। तो सवाल यही है कि हरियाणा और महाराष्ट्र में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसी पर चर्चा करेंगे। बड़े नामों का जो खुलासा हो सकता है और जो चेहरा जिस पर दांव यहां पर खेला जा सकता है, उसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट। मोदी लहर पर सवार बीजेपी के अच्छे दिन अब भी जारी हैं। महाराष्ट्र हरियाणा विधानसभा चुनाव में ज्यादातर एग्जिट पोल्स बीजेपी को बहुमत दिखा रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि 15 साल से विपक्ष में रही बीजेपी को इस बार सरकार बनाने का मौका मिल सकता है। हालांकि चुनावों के नतीजे 19 अक्टूबर को आएंगे, लेकिन इसके साथ ही ये बहस भी तेज हो गई है कि अगर ऐसा हुआ तो दोनों राज्यों में बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन होगा। इस वक्त दोनों राज्यों में बीजेपी के अंदर कई मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, लेकिन इनमें से किसी एक का चुनाव करना पार्टी नेतृत्व के लिए मुश्किल भरा फैसला होगा। कौन होगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री? महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस सीएम पद की दौड़ में सबसे आगे हैं। युवा हैं, साथ ही संघ और पीएम नरेंद्र मोदी की पसंद भी है। सूत्रों के मुताबिक 14 अक्टूबर को अमित शाह की मौजूदगी में एक बैठक में देवेंद्र पर सहमति बन चुकी है। इनकी कमजोरी ये है कि ये जन नेता नहीं है। महाराष्ट्र में अभी तक मराठा ही मुख्यमंत्री बने हैं। इसको लेकर कुछ लोग विरोध भी कर सकते हैं। हालांकि देवेंद्र फडणवीस पढ़े लिखे हैं और बजट पर एक किताब भी लिख चुके हैं। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को सीएम पद का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा था, लेकिन वे स्पष्ट कर चुके हैं कि अब मुंबई में उनका मन नहीं लगता, वे दिल्ली में ही रहकर काम करना पसंद करेंगे। वहीं सूत्रों से मिल रही खबरों के मुताबिक बीजेपी ने निर्णय लिया है कि दिल्ली से कोई भी नेता महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बनने नहीं जाएगा, इसलिए नितिन गडकरी के मुख्यमंत्री बनने की संभावना कम ही है। दिवंगत बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे अगर मुख्यमंत्री बनती हैं तो वो महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्यमंत्री होंगी। पंकजा मुंडे ओबीसी चेहरा है, लेकिन अपना नाम खुद आगे बढ़ाना या अपने समर्थकों के माध्यम से उठाना उनके खिलाफ जा सकता है। तावड़े नेता विपक्ष की भूमिका निभा चुके हैं। हालांकि हाल ही में एक चुनावी सभा में उन्होंने कहा था कि बीजेपी की सरकार बनी तो गृह मंत्री तो मैं ही बनूंगा। वहीं विनोद तावड़े अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो इसके पीछे उनका मराठा होना बड़ी वजह होगी। सरपंच से मंत्री तक का सफर तय कर चुके एकनाथ खड़से किसान नेता है। पूरे महाराष्ट्र पर इनकी अच्छी पकड़ है, लेकिन बढ़ती उम्र और खराब स्वास्थ्य इनके खिलाफ जा सकता है। हरियाणा में सीएम पद के दावेदार। हरियाणा के सीएम के लिए कैप्टन अभिमन्यु का दावा सबसे बड़ा है। वे पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुके हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी संकेत दे चुके हैं कि अभिमन्यु सीएम बनाए जा सकते हैं। पार्टी की कद्दावर नेता और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का नाम भी सीएम के लिए उछाला जा रहा है। उनके हरियाणा के समर्थक इसकी मांग करते रहे हैं। हालांकि इस बारे में सुषमा ने कोई संकेत नहीं दिए हैं, लेकिन अगर सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री बनती हैं, तो विदेश मंत्री जैसी अहम जिम्मेदारी किसके कंधे पर जाएगी, उस वक्त ये सवाल बड़ा होगा। कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए चौधरी वीरेंद्र सिंह प्रदेश का बड़ा जाट चेहरा है। वे मुख्यमंत्री बनने की इच्छा भी जता चुके हैं, लेकिन ढलती उम्र बाधा बन सकती है। वहीं हरियाणा बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता शायद ही इस बात पर राजी हों।
गुड़गांव के सांसद राव इंद्रजीत का नाम भी सीएम पद की दौड़ में है। हालांकि नरेंद्र मोदी ने जिस तरह की जिम्मेदारियां इन्हें दी हैं, उससे इनका हरियाणा में लौटना मुश्किल लग रहा है। लेकिन अगर किसी के नाम पर सहमति नहीं बनी तो राव इंद्रजीत एक विकल्प हो सकते हैं। रामविलास शर्मा हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष हैं। इनके प्रदेश अध्यक्ष रहते ही बीजेपी सत्ता के करीब आती दिख रही है, इस लिहाज से इनका दावा भी कमजोर नहीं है। हरियाणा में बीजेपी का बड़ा चेहरा है रामविलास शर्मा। हरियाणा के मुख्यमंत्री की दौड़ में किसी से पीछे नहीं है। अगर एग्जिट पोल के नतीजे वास्तविक नतीजों में तब्दील होते हैं तो ये फैसला करना बीजेपी के लिए कठिन होगा। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? सुदर्शन न्यूज के लिए शशांक चौधरी के साथ प्रशांत द्विवेदी की रिपोर्ट। दरअसल मुख्यमंत्री कौन, ये सवाल बीजेपी से इस वक्त इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं जो ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल इशारा कर रहे हैं उसमें बीजेपी को बढ़त मिल रही है और बीजेपी ही इकलौती कहीं ना कहीं ऐसी पार्टी है जिसने अपना चेहरा आगे नहीं किया है और यही आरोप पूरा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने झेला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्रांड भुनाने की कोशिश जरूर बीजेपी की तरफ से की गई है, चाहे हरियाणा की बात कर ली जाए या फिर महाराष्ट्र की। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर अगर मोदी जाकर ये कहते हैं कि गोपीनाथ मुंडे अगर आज होते तो मुझे आने की जरूरत नहीं पड़ती, क्या झलकता है इस बात से? क्या एक सेकेंड लाइन जिसकी बात की जा रही है वो अब तक बीजेपी क्रिएट नहीं कर पाई है? नितिन गडकरी की अगर बात कर ली जाए, बड़े नेता हैं लेकिन खुद इनकार कर चुके हैं, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि वो मुंबई महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बनेंगे। पंकजा मुंडे की अगर बात कर ली जाए, ये भी बड़ा चेहरा महाराष्ट्र में हो सकती है। जाहिर है गोपीनाथ मुंडे की अगर विरासत इस वक्त संभाल रही हैं तो वो पंकजा मुंडे हैं। उधर हरियाणा में परिस्थितियां कहीं ना कहीं कैप्टन अभिमन्यु या वीरेंद्र सिंह की तरफ भी जा सकती हैं, लेकिन कैप्टन अभिमन्यु की अगर बात कर ली जाए तो इनका जो नाम है वो अब तक इशारों इशारों में आगे आया है। लेकिन अगर दोनों राज्यों की को अगर हम जोड़कर यहां पर बात करें तो जो बड़े चेहरे नाम सामने आ रहे हैं उसमें महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ खड़से, देवेंद्र फडणवीस, गोपीनाथ मुंडे की जो बेटी हैं, जो उनकी पुत्री हैं पंकजा मुंडे, वो, और उधर हरियाणा के अंदर कहीं ना कहीं कैप्टन अभिमन्यु, ये वो बड़े चेहरे हैं जिन पर कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से मुहर लग सकती है। लेकिन सवाल ये है कि अब तक जो चेहरा आगे प्रोजेक्ट नहीं किया गया है उसके बाद अब किस तरीके से उसे सामने रखा जाएगा, यानी महाराष्ट्र के अंदर जो अब तक परंपरा चलती रही है यानी मराठी, उसी परंपरा को आगे बढ़ाया जाएगा, और उधर हरियाणा के अंदर जिस जाट बिरादरी की बात की जाती है, जिस चौधर की बात की जाती है, उस पर मोदी मुहर लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? जाट राजनीति की बात कर ली जाए तो 30% जाट जो इस वक्त जाती है उसके हिसाब से अब तक जो 30% और जो 30 और 70 का यहां पर रेशो बनता है उस पर कहीं ना कहीं कंसंट्रेट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, सवाल ये भी है। खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पूरे सवाल का जवाब लेने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अगर तमाम ओपिनियन पोल्स की बात को मान लिया जाए तो क्या बीजेपी के लिए चेहरा ढूंढना इतना आसान होगा। सुखबीर सिंह हुड्डा साहब राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ हैं, दीपिका शर्मा बीजेपी नेता मेरे साथ हैं, दुर्गेश उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं और अभय जी राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ हैं। सबसे पहले मैं दीपिका जी आपके पास आना चाहता हूं, यही सवाल जो अब तक विधानसभा चुनाव में आपसे दोनों राज्यों में पूछा गया है, चेहरा कौन? अब अगर जो तमाम सर्वे आ रहे हैं, ओपिनियन पोल आ रहे हैं, जाहिर है अब ये सवाल बड़ा होने वाला है, अब मुख्यमंत्री कौन, उसी चीज की तलाश की जा रही थी, उसी सवाल का जवाब भी मांगा जा रहा है। सुमित, ऐसा है, ये निर्णय तो सेंट्रल लीडरशिप के होता, लीडरशिप के पास हमेशा होता है कि वो जो हमारे इतने कदावर सेकेंड जनरेशन यंग लीडरशिप है उनमें से वो किसको चुनते हैं। और ये प्रश्न, ऑल्दो हम कंप्लीटली कॉन्फिडेंट हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से आएगी महाराष्ट्र में और हरियाणा में भी, परंतु फिर भी ये प्रश्न फिर भी जब तक रिजल्ट्स संडे को नहीं आ जाते हैं ये प्रश्न फिर भी स्पेकुलेशन की डोमेन में है। परंतु मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से आपने अपने प्रोग्राम में बताया है कि आपने जो 5 लीडर्स के नाम महाराष्ट्र से बताए और 3 लीडर्स के नाम आपने हरियाणा से बताए, सब अपने आप में योग्य और सक्षम लीडर्स हैं और मैं समझती हूँ कि हमारा जो सेंट्रल लीडरशिप है इनका कोई भी
कोई भी इनमें से एक उठाएगी। आप देवेंद्र फडणवीस की बात देखिए तो 27 इयर्स ऑफ एज में वो मेयर बने, उनको बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड मिला, और मैं समझती हूँ हमारे भारतीय जनता पार्टी के स्टेट चीफ है पंकजा मुंडे वुमेन है। नहीं देखिए मैं देखिए आप एक एक नेता को उठा लीजिए तो उन नेताओं के अंदर इतने सक्षम है। और सुमित सबसे सुंदर बात यह, आप संगठन की बात देखिए कि कल एग्जिट पॉल्स आए, सारे चैनल्स में आए, और मैं सब चैनल्स को देख रही थी, और ये जो पांच चेहरे आपने दिखाए ये अलग अलग चैनल्स पे आ रहे थे, उनसे यही प्रश्न भी पूछा जा रहा था। मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ, और इन्होंने यही कहा कि हम संगठन के प्रति संगठन के प्रति समर्पित है, और वो जो भी फैसला लेगी उनको डायरेक्ट ये भी पूछा गया आपके अलावा। संगठन की बात यहाँ पर उड़ा साहब दीपिका जी कर रही, इतना आसान है संगठन के लिए अगर इन तमाम नेताओं में इतनी काबिलियत है? बीजेपी के अंदर जिस तरीके से अंदर खामी जो निकलकर सामने आते रही है कि अंदर खाने में क्या कुछ चल रहा है, उसके बाद क्या इतना इजी हो जाएगा बीजेपी के लिए इन तमाम बड़े नेताओं के चेहरे सिर्फ आगे करके काबिलियत के बारे में नाप देना? और जाहिर है अगर काबिलियत ज्यादा है तो जाहिर है छांटना भी तो मुश्किल हो जाएगा। देखिए सुमित जी, अगर हम महाराष्ट्र को और हरियाणा को दोनों को अगर देखें, इन स्टेट्स को, महाराष्ट्र की बात करते हैं, महाराष्ट्र को भी बीजेपी अगर मेजोरिटी में आती है तो फर्स्ट टाइम रूल करने जा रही है, और अभी तक इनके पास अब अलायंस में इन्होंने किया है, और इनके पास अगर अलायंस में देखेंगे तो किसी का ट्रैक प्रूवन रिकॉर्ड अगर हम देखा जाए तो इनके पास नितिन गडकरी साहब का एक प्रूवन रिकॉर्ड है, वो वहां पे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे हैं, और उन्होंने इतनी एफिशिएंसी के साथ अपनी परफॉर्मेंस के साथ वो पार्टी के प्रेसिडेंट भी पहुंचे और इस कद पे हैं आज, बड़े बहुत बड़े ओहदे पे हैं और बड़े वजीर हैं। उसके बाद अगर आप आते हैं महाराष्ट्र के पूरे को पूरा, अगर आप महाराष्ट्र को पूरा 244 और 288 सीट्स पे देखेंगे तो जिस प्रदेश के अंदर 288 विधानसभाएं हों वहां पे आप एक नया मुख्यमंत्री नहीं सौंप सकते, चाहे उसके अंदर कितनी भी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल हो। सरकार चलाना एक बहुत बड़ी बात है, जहां तक आपको सरकार चलाने के लिए एक एक्सपीरियंस और एक प्रूवन रिकॉर्ड होना चाहिए। मेरा अपना यह मानना है, मेरा अपना एनालिसिस ये है कि देवेंद्र फडणवीस साहब या एकनाथ खड़से साहब और या विनोद तावड़े साहब हो सकती है, हाँ, इनके अंदर ये एक मटेरियल हो सकता है, इनको तैयार किया जा सकता है, बट एट द मोमेंट इतना बड़े स्टेट चलाने के लिए इनको एक्सपीरियंस लीडर देना ही पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि कहीं न कहीं यहाँ से मुश्किलें हो सकती हैं, मुश्किलें हो सकती है, और ये मोदी साहब के माइंड में है कि इतना बड़ा स्टेट चलाने के लिए कोई न कोई छोटा मोटी गलती होगी, वो गलती को इतना बड़ा एक स्कैंडल का नाम ले लिया जाएगा, इसलिए मोर लेस इनका विश्वास ना जिस तरीके से नितिन गडकरी साहब पे जा रहा है कि कुछ समय के लिए उनको देके और सेकंड लीडरशिप वहां पे तैयार कर दी जाए। ठीक है अभय जी, यहां पर जो सेकंड लाइन की यहां पर बार बार बात की जा रही थी कि अब तक महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो मोदी का चेहरा इसलिए आगे किया गया है कि सेकंड लाइन जो है वो क्रिएट नहीं की गई है, और अब मुश्किलें और बढ़ सकती हैं बीजेपी की जिस तरीके से चेहरा पहले आगे नहीं किया गया। और अगर मैं शिवसेना और बीजेपी गठबंधन की बात करूं, हालांकि मुद्दा बिल्कुल अलग हो जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री की बात तो वहां पर भी थी ना, जब वहां वो जो खटास थी वो अब पार्टी के अंदर से उभर कर सामने नहीं आएगी? यहां दीपिका जी ने जिस तरीके से कहा कि काबिलियत काफी तमाम नेताओं के अंदर है, उनमें से छांटा किस तरीके से जाएगा? देखिए जहां तक बात रही, अगर हम चीफ मिनिस्टर की बात करें तो उन्होंने कोई चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया, उसके दो कारण, महत्वपूर्ण दो कारण है, एक तो नरेंद्र मोदी के कद को ही इतना बड़ा बनाए रखना कि कोई दूसरा नाम नहीं आए, और दूसरा चूंकि महाराष्ट्र डिफरेंट 288 सीट का स्टेट है और वहां डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट पार्टी में मराठवाड़ा रीजन है, वेस्टर्न है, फिर विदर्भ है, फिर कुंकन है, फिर नॉर्थ है, खंदेश जिसको कहते हैं, तो अगर हम किसी जैसे देवेंद्र फडणवीस जी को अगर हम प्रोजेक्ट करते तो 66 सीट का जो विदर्भा है वहां के लीडर बेसिकली है, तो वहां पर तो बीजेपी अच्छा परफॉर्म करती, लेकिन रेस्ट पार्ट ऑफ द स्टेट में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं हो पाता। तो बीजेपी ने इसको ध्यान में रख करके कि भैया हम किसी एक लीडर को देंगे तो वो किसी खास बेल्ट को देगा तो उस बेल्ट के बाहर मुझे दिक्कत होगी, फिर होगा कि फिर वो जो नेता हम जिसको देंगे प्रोजेक्ट करेंगे वो एक किसी कास्ट का होगा, तो उसके अलावा जो दूसरे कास्ट के लोग होंगे वो हमारे साथ थोड़ा जुड़ने में थोड़ा असहज महसूस करेंगे, और उसके अलावा जो अगर आप लोग जैसे नाम प्रोजेक्ट कर नितिन गडकरी वगैरह का, ये लोग कोई नहीं बनेंगे, आप जान जाइए कि कोई ना कोई वहां का लेजिस्लेटर या तो एमएलए हो या एमएलसी हो, क्योंकि नरेंद्र मोदी का जो अभी जो पॉलिटिक्स चल रहा है वो कहीं भी बाईपोल में कहीं नहीं विश्वास कर रहे हैं, बाईपोल में किसी तरह से नहीं जाएंगे। जैसे नितिन गडकरी को पकड़िए, नितिन गडकरी को अगर वहां मुख्यमंत्री बना देते हैं तो नितिन गडकरी एमएलसी बन के बिना विधानसभा चुनाव लड़े सीएम बन सकते हैं, लेकिन इनके द्वारा जो सीट जो लोकसभा का खाली किया जाएगा उस पर फिर नरेंद्र मोदी को या बीजेपी को चुनाव लड़ना पड़ेगा, फिर एक नए ढंग से वहां घमासान होगा, तो इस घमासान से बचने के लिए वो कोई भी वहां के लोकल फेस को ही प्रोजेक्ट करेंगे। और जान जाइए कि मेरी जहां तक मैं जो समझ पा रहा हूं कि देवेंद्र फडणवीस इज द बेस्ट एंड द ओनली ऑप्शन इन महाराष्ट्र फॉर द बीजेपी फॉर द चीफ मिनिस्टर पोस्ट। दुर्गेश जी, आपको भी ये लग रहा है?
देखिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस का नाम जिस तरह से नागपुर की रैली में वहां पर प्रधानमंत्री ने उनकी जितनी तारीफ की और जब जो दीपिका जी उनकी खूबियां गिना रही हैं तो बिल्कुल अपनी जगह सही है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस सबसे कम उम्र में मेयर बने, फॉरेन से पढ़ाई करके आए हैं और कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री का एक जो गुड गवर्नेंस का जो एक कैंपेन है उसको वो पूरी तरह से सूट करते हुए दिखाई पड़ते हैं। और जाहिर सी बात है कि कल नितिन गडकरी जी ने खुद ही इस बात का खंडन किया है कि वो उनको एक अच्छी खासी जिम्मेदारी यहां मिली हुई है दिल्ली में और वो अभी महाराष्ट्र की राजनीति में वापस नहीं लौट सकते। और इसके अगर कैंपेनिंग के दौरान की हम लोग बात देखें, कई बार ऐसा हुआ कि नितिन गडकरी जी मंच पर मौजूद थे लेकिन प्रधानमंत्री ने उनको उनके नाम की कहीं चर्चा भी नहीं की। तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री के दिमाग में चीजें क्रिस्टल क्लियर हैं और उनको कहीं ना कहीं इस बात का स्ट्रेटजी मेकिंग में भी ये अंदाजा था कि उनको कूदना पड़ेगा सेकंड लाइनअप महाराष्ट्र में या हरियाणा में। तो हरियाणा में तो खैर बहुत ही उसी सेकंड लाइन के लिए अब एक बार फिर से जा रही है, फिर एक बार फिर से होंगे। हाँ, यहां पर बात की जा रही है कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस की, उनकी काबिलियत की बात की जा रही है, लेकिन विनोद तावड़े जो विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं, जाहिर है सवाल तो फिर ये उठेगा कि विनोद तावड़े और देवेंद्र फडणवीस इनकी काबिलियत को किस पैमाने पर आंका जाएगा। और जो अब तक की राजनीति रही है तमाम मुख्यमंत्रियों की अगर बात कर ली जाए तो मराठी व्यक्ति को कहीं ना कहीं तवज्जो दी गई है, तो क्या इस बार ये पूरे बेंचमार्क जो है टूटने वाले हैं? दीपिका जी देखिए सुमित, ये स्पेकुलेशन करना, क्योंकि ये पार्टी का निज अधिकार होता है कि वो अपने लीडर्स में से, गैलेक्सी ऑफ लीडर्स में से वो किसको चुनती है, कौन से वो पैरामीटर्स यूज करती है। अगर जी हिस्ट्री जो है इतनी आसान नहीं रही है, अगर बीजेपी के अंदर अगर किसी नेता को चुना जाए वो इतना ईजी नहीं रहा है पार्टी में। सुमित देखिए, आप देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम, आप अगर 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 आप अनुभव के ऊपर के शासन का एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर कोई भी नेता इतिहास में कभी उभर नहीं सकता। इंदिरा गांधी भी नहीं, नेहरू भी नहीं, कोई भी नहीं। आपको भरोसा देना पड़ता है, सबसे पहली बात आपको अपना ट्रस्ट उस लीडर को देना पड़ता है। और दूसरी बात है, ये जो लीडर्स हम जिनके नाम गिना रहे हैं ये अखिल भारतीय विद्या परिषद अपने स्टूडेंट बेस से ग्राउंड ग्रास रूट राजनीति के साथ जुड़े हैं। ये राजनीति की शालीनता को और डिग्निटी को बहुत अच्छे से गवर्नेंस के टाइम अगर ऐसा होगा तो शायद हम ये सवाल ना पूछे कि इतना इजी रहा है बीजेपी के अंदर, तब शायद कोई एग्जांपल दे दिया जाए। दरअसल सवाल ये है कि अब से पहले जो चीजें नहीं हुई हैं इजीनेस के तौर पर तमाम नेताओं के बीच में, वो अब नहीं होंगी, सवाल ये भी है। और काबिलियत की जो बात की जा रही है, मेरा सवाल सीधा सा है, अब तक अगर मराठी व्यक्ति को तवज्जो दी गई है, अगर देवेंद्र फडणवीस को आगे किया जाता है तो सवाल ये है क्या परंपराएं इस बार तोड़ दी जाएंगी, नई राजनीति की जाएगी? सुमित मैं ये बात समझती हूँ कि हमारे देश की जनता जो है वो कास्ट से, रीजन से और लैंग्वेज से दूर जाके एक एक डेवलपमेंट, एक विकास का मुद्दा था, उसने उसके ऊपर वोट दिया है। तो मैं समझती हूँ कि कोई भी काबिल नेता जो हमारा शीर्ष लीडरशिप चुनता है और वो हम उनको सीएम बनाते हैं, मैं समझती हूँ कि वो लीडर महाराष्ट्र के लिए सबसे बेहतर बैठेगा। और ये देश जो है धीरे धीरे रीजन की राजनीति से, कास्ट की राजनीति से, लैंग्वेज की राजनीति से उठता चला जा रहा है। और इसके लिए क्योंकि आप भूल रहे हैं सुमीर कि 65% जो पॉपुलेशन है वो लेस देन 35 ईयर्स ऑफ एज है। अवर इंडिया इज अ यंग इंडिया, तो ये यंग इंडिया जो है ये रीजन की राजनीति से ऊपर उठता जा रहा है। और ठीक है, यंग है लोग, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं, अगर वहां पर जो जिस तरीके से हमारा देश है, बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते रहे हैं कि युवा देश है, लेकिन युवाओं को अभी सिखाने की जरूरत है, वो ये भी कहते रहे हैं, लोगों तक एक मैसेज पहुंचाने की जरूरत है। इन परिस्थितियों में महाराष्ट्र के अंदर जहां पर मराठा उत्तर भारतीय का जो माहौल है, खुद राजनीतिक शक्तियों ने कहीं ना कहीं इतना ज्यादा उभार रखा है, उन परिस्थितियों के बीच में एक ऐसा व्यक्ति जो अब कहीं ना कहीं परंपराएं बदल सकता है, यानी अगर देवेंद्र फडणवीस को आगे किया जाता है तो वो लाइन जो आज तक नहीं टूटी है, यानी गैर मराठी व्यक्ति नहीं आया है या मराठी अब तक वहां पर रहा है, तो एक ब्राह्मण को अगर वो बनाते हैं तो इस टैगलाइन को तोड़ना बीजेपी के लिए या मोदी के लिए आसान होगा?
देखिए सुमित जी, अब वो मैंने अपने पहले भी आपके उस सवाल के उस संदर्भ में मैंने यही बताया कि मैं मेरा अपना जितना एलएलएसएस है या जितना मैं उसको स्टडी कर पाया हूँ, मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। उसका एक रीजन ये है कि बीजेपी अगर पावर में आती है तो उसको ये नहीं है कि ऑपोजिशन में सिर्फ कांग्रेस ही मिलेगी, उसको बीजेपी को एमएनएस भी, शिवसेना भी, आपकी एनसीपी, कांग्रेस भी, देखिए चार विरोधी पार्टी हैं, सब आपको बिल पास कराने हैं, डेवलपमेंट के वर्क करवाने हैं और सामंजस्य बैठा के चलना है, बैलेंस ही करके चलनी है। और क्योंकि एक सिर्फ यही थे गडकरी साहब, जो मुझे लग रहा था कि जो अभी शिवसेना के ऊपर सॉफ्ट स्टैंड लेके चले हैं, जो अभी भी उनको पुचकार रहे हैं, जो अभी भी उनको वो साथ लेने की या उनको मिला के या वो साथ ये करें, वो हमारे दुश्मन नहीं है, ठीक है पार्टी लाइन डिफरेंट है, मतलब एंगल उन्होंने ऑप्शन रखा है, ठीक है ना, गडकरी साहब मना कर रहे हैं, पहले दिन से मना कर रहे हैं, उन्होंने इच्छा जाहिर कर रखी है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू ए स्टेट ना, कि भाई फडणवीस साहब को ठीक है आप छह महीने, साल, दो साल एक सेकंड लाइन की अगर लीडरशिप में कोई अच्छा पद देके उनको अगर मेच्योर करते हैं, नर्चर करते हैं, तो इट बिकम्स ए वेरी गुड फॉर फडणवीस आल्सो और स्टेट के लिए भी। जहां तक एक आती है ब्राह्मण और वो एकदम से वो महाराष्ट्री लोगों को लेके जाना, देखिए महाराष्ट्र की राजनीति से पूरा देश हिलता है, अगर वहां पे कुछ भी इंबैलेंस हुआ तो बीजेपी के लिए आसानी होगा संभालना। बिल्कुल, विरोधियों का कहीं ना कहीं निशाना साधा जा सकता है। यस यस दुर्गेश जी, अगर बात पहली बात तो यहां पर अभय जी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन मेरा सवाल अभय जी आपसे भी ये भी है कि कहीं ना कहीं ये जो राजनीति है इसके अंदर अगर गैर मराठी के बारे में सोचा जाता है या फिर अब तक जो मराठी व्यक्ति तक मुख्यमंत्री रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर, इस लाइन को बीजेपी तोड़ दे ये आसान कहीं ना कहीं इसलिए भी नहीं हो सकता कि किस तरीके से खुद की राजनीति है, एक वो पहलू है, और दूसरा ये कि कहीं ना कहीं विरोधी हावी हो सकते हैं, शिवसेना जिस चीज को लेकर आगे बढ़ती है, एमएस जिस चीज को लेकर आगे बढ़ रही है, इतना इजी नहीं होगा प्रधानमंत्री के लिए। जी देखिए, सबसे पहले तो हुड्डा साहब जो बता रहे थे कि बीजेपी अगर खुद से सत्ता में आ जाती है तो उसको एक तीन चार पार्टी के इससे करना पड़ेगा, लेकिन नहीं वैसी बात नहीं होगी, क्योंकि वहां शिवसेना और कांग्रेस का एक विरोध होगा, डिफरेंट एंगल्स पर उन लोग का विरोध होगा, वो लोग कभी भी एक साथ नहीं आ पाएंगे, इस कारण भी कि उन लोग के खिलाफ एनसीपी और कांग्रेस के खिलाफ इतने भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, बसरते उन दोनों पार्टियों में भी एनसीपी और कांग्रेस एक साथ नहीं आ पाएगी उस स्थिति में। और जहां तक बात रही कि आप मराठी और गैर मराठी की बात करें, तो 1995 में जब शिवसेना और बीजेपी की सरकार बनी थी तो मनोहर जो सीजोग ब्राह्मण थे वो सीएम बने थे, तो ऐसी बात नहीं कि उसको नहीं किया जा सकता है, फिर भी किया जा सकता है। और जहां तक बात रही कि एक अच्छा गवर्नेंस देने के लिए, एक अच्छा गवर्नेंस देने के लिए आपको जातिगत समीकरण में बहुत ज्यादा फंसने की जरूरत नहीं है, अगर देवेंद्र फडणवीस ही अगर वहां सीएम बनते हैं और अच्छा अगर काम करके देते हैं तो व्हाई नॉट ही विल बी द चीफ मिनिस्टर, नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल काबिलियत की यहां पर बात दीपिका ने भी कही, हम भी काबिलियत पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, लेकिन सवाल यह है कि इंप्लीमेंट कैसे होगा जब अब तक इस तरीके की जो धारणाएं हैं वो बनी रही हैं, और खासकर अगर महाराष्ट्र के अंदर बात कर ली जाए, जो मराठी मानुष का जो मुद्दा है वो जो इंपॉर्टेंट तौर पर राजनीति में तमाम दिग्गजों की तरफ से सामने रखा गया है। एक ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, फिर हरियाणा की परिस्थितियों के बारे में बताएंगे, एक ब्रेक तुरंत लौट। अगर हरियाणा की बात कर ली जाए तो हरियाणा की परिस्थितियां भी बिल्कुल महाराष्ट्र से अलग नहीं है, हालांकि अगर बहुमत की बात की जाए तो महाराष्ट्र में बीजेपी काफी ज्यादा अपनी विरोधियों से आगे दिख रही है, लेकिन हरियाणा में कुछ पेच फंस सकता है, लेकिन अगर ये पेच ना फंसे तो सवाल ये है कि बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री कौन होगा, और अगर पेच फंस जाता है यानी साथियों की जरूरत पड़ती है तब भी सवाल ये है और ज्यादा बड़े क्वेश्चन मार्क के साथ कि आखिर वो चेहरा होगा कौन जिसे बीजेपी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तरफ से आगे करेंगे। लेकिन हरियाणा में क्या कुछ हो सकता है और कौन से बड़े चेहरे हो सकते हैं, एक रिपोर्ट देखिए। कई एग्जिट पोल्स तो हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी को बहुमत तक पहुंचा रहे हैं, वही सुदर्शन न्यूज के एग्जिट पोल के मुताबिक हरियाणा में बीजेपी को 36 सीटें मिल रही हैं, जो कि बहुमत के आंकड़े 45 से 9 सीटें कम है। वही कुछ दूसरे एग्जिट पोल्स के आंकड़े भी यही कह रहे हैं, अगर हरियाणा में बीजेपी बहुमत के आंकड़े से कुछ कम पर रुक जाती है तो बीजेपी के लिए क्या विकल्प होंगे, ये बड़ा सवाल है। सुदर्शन न्यूज के सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 36, कांग्रेस को 16, इनेलो को 32, हजका को 3, जबकि अन्य के खाते में भी 3 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अगर आंकड़े सही रहे तो क्या बीजेपी इनेलो के साथ मिलकर सरकार बनाएगी? अगर बीजेपी इनेलो के साथ गठबंधन करती है तो सवाल उठेंगे,
विरोधी दल बीजेपी पर भ्रष्टाचार की लड़ाई को लेकर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाएंगे। सुदेश न्यूज के सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलेगा, वहीं कुछ दूसरे सर्वे बीजेपी को बहुमत से कुछ कम सीटें दे रहे हैं। अगर बीजेपी बहुमत के आंकड़े से कुछ कम सीटों पर रुक जाती है तो क्या होंगे महाराष्ट्र के समीकरण? क्या बीजेपी लेगी शिवसेना का साथ? सुदेश न्यूज के सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र में बीजेपी को 147 सीटें मिल सकती हैं, जो बहुमत के आंकड़े 145 से 2 सीटें ज्यादा हैं। कांग्रेस को 35, शिवसेना को 65, एनसीपी को 24, एमएनएस को 8, जबकि अन्य के खाते में 9 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। एग्जिट पोल के इतर अगर बीजेपी बहुमत से कुछ कम सीटों पर रुक जाती है तो क्या बीजेपी शिवसेना के साथ जाएगी या कुछ दूसरे विकल्पों पर विचार करेगी? बीजेपी शिवसेना की तरह कांग्रेस एनसीपी का भी गठबंधन टूट चुका है। चुनावी प्रचार के दौरान शिवसेना ने बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी पर तीखे जुबानी हमले किए थे। शिवसेना के इस रुख को देखकर बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व नाराज भी है। तो सवाल उठता है कि क्या बीजेपी एनसीपी का साथ लेगी या नहीं? फिलहाल इस वक्त तो सभी को 19 अक्टूबर का इंतजार है, जब चुनाव के परिणाम सामने आएंगे। लेकिन सवाल तो उठते ही है कि कैसा होगा महाराष्ट्र और हरियाणा की सरकारों का स्वरूप? सुदर्शन न्यूज के लिए शशांक चौधरी के साथ प्रशांत द्विवेदी की रिपोर्ट। दीपिका जी, आपको नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं मुश्किलें ज्यादा हैं हरियाणा के अंदर, जिस तरीके से तमाम एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल आपकी स्थिति के बारे में बता रहे हैं, यानी INLD ज्यादा पीछे नहीं है आपसे? सुमित, मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, क्योंकि आपने एक एग्जिट पॉल का आपने यहाँ पे खुलासा नहीं किया। मेरे ख्याल से 2 एग्जिट पॉल ऐसे आए हैं, वो उन कंपनीज के नाम मैं भूल गई हूँ, एक चाणक्य है मेरे ख्याल से और मेरे ख्याल से एक सी वोटर है, नीलसन है, उसने भारतीय जनता पार्टी को, चाणक्य ने 54 दिए हैं और नीलसन ने मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी को 49 या 50 दिए हैं। तो मैं समझती हूँ कि विथ कंप्लीट ह्यूमिलिटी बट विथ कंप्लीट कॉन्फिडेंस मैं ये बात कहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पे बहुमत पे आएगी, सर्वे की बात करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो जो सर्वे कह रहे हैं, मैं उसकी तरफ से आपको पहले से 19 तारीख के लिए शुभकामनाएं भी दे रहा हूँ, लेकिन उन परिस्थितियों में भी जो चेहरे आपके सामने हैं उसमें भी लंबी चौड़ी लिस्ट है। कैप्टन अभिमन्यु की बात अमित शाह एक बार जिक्र जरूर करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका चेहरा फिर एक बार नाम सामने नहीं आता है, कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लग जाता है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को क्या ये लग रहा है कि मुश्किलात शायद महाराष्ट्र से भी ज्यादा यहां पर हैं? चेहरा जो ढूंढने की बात की जा रही है वो तो आप शायद तलाश कर ही नहीं पाए हैं, वो सेकंड लाइन की जो बार बार बात की जाती है। समीर, मैं आपकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं कि चेहरा नहीं ढूंढ पाए हैं या नहीं ढूंढ पाएंगे या प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैं समझती हूं कि कहीं ना कहीं सेंट्रल लीडरशिप ने एक चेहरे पे, एक नाम पे अपना मन कहीं ना कहीं बना लिया है, परंतु ये है कि एक फॉर्मल डिक्लेरेशन होए, पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठे, आपस में कंसेंसस और डेलिब्रेशन हो और उसके बाद एक फॉर्मल अनाउंसमेंट हो। अगर चलिए, अगर जो चेहरों की यहां पर बात कर लेते हैं कि जो बड़े चेहरे इस वक्त आपके वहां पर हैं हरियाणा के अंदर हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर परिपक्वता की बात कर ली जाए, यहां पर भले ही INLD की तरफ से ओम प्रकाश चौटाला का चेहरा आगे किया जा रहा है, वो कानूनी बाध्यताएं अलग है, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता क्योंकि कहीं ना कहीं आप मुझे कहेंगे कि वो इस वक्त सजा काट रहे हैं, उन कानूनी बाध्यताओं के इतर ओम प्रकाश चौटाला कहीं ना कहीं परिपक्व है, पूरी तरीके से राजनीति में मंझे हुए खिलाड़ियों में से एक है। कांग्रेस की तरफ अगर हुड्डा की बात कर ली जाए, बीजेपी के पास क्या उस परिपक्वता का वाला जो चेहरा है उसकी कमी है, ये तो आप मानेंगे? सुमित, हमें उस परिपक्वता उसका एक्सपीरियंस का हमें क्या करना है? ये इतने करप्ट लीडर्स हैं, आपने पिछले हफ्ते अपने प्रोग्राम में बताया था, आई एम वेरी सॉरी टू से, श्री ओम प्रकाश चौटाला, देवीलाल जी ने उनको घर से निकाल दिया था, कोई यूथ में वो कहीं स्मगलिंग करते हुए पाए गए थे। मैं केवल ये बात कह रही हूँ कि पब्लिक के अंदर ये परसेप्शन आ गई है कि ये पार्टी और उनकी लीडरशिप एक्सट्रीमली करप्ट है। तो यहाँ पे आप एक्सपीरियंस को लेंगे तो एक्सपीरियंस में तो इनकी जो
और मिस गवर्नेंस है, वो सबसे ज्यादा पब्लिक को नागुजार है। और इस समय पब्लिक के अंदर जितना आपने देखा होगा कि हरियाणा में 75% वोटिंग हुई है, हाईएस्ट एवर हरियाणा की इलेक्टोरल चेंज नहीं है। अगर लास्ट ईयर की लास्ट 2009 की बात कर लेते बहुत 72 या 73 हुई थी, अगर 2% भी ज्यादा हुई है काबिले तारीफ है। इसका मतलब जिस तादाद से हरियाणा की जनता बाहर आई है, हरियाणा की जनता चेंज चाहती है, विकास चाहती है, और वो भारतीय जनता पार्टी को लाना चाहती है। ठीक है दुर्गेश जी, ये जो पूरे हालात है इसमें अगर एक आकलन ये माना जाए कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने या बीजेपी ने एक आकलन किया है कि 70-30 का जो रेशो है, यानी जो जातिगत परिस्थितियां हैं हरियाणा के अंदर, इसलिए एक चेहरा आगे ना किया जाए, जो अभी कुछ देर पहले महाराष्ट्र के संदर्भ में कहा अभय जी ने, कि कहीं ना कहीं मोदी जी को लगता है कि अगर उस वक्त चेहरा आगे कर दिया जाता तो शायद एक पर्टिकुलर जगह पर हमें बढ़त मिल सकती है लेकिन बाकी जगह नुकसान ना हो जाए, इसलिए मोदी का चेहरा आगे रहा। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों के बीच में भी बीजेपी के पास चेहरा नहीं है, और साथ ही साथ वो परिपक्वता जिसकी मैंने अभी बात की तमाम पार्टियों में, उस चेहरे की जो तलाश है वो बीजेपी को यहाँ पर करनी होगी। द्विवेदी जी देखिए, सुमित, हमको दो बातें यहाँ पर बिल्कुल समझनी होंगी। जो ये पूरी कैंपेनिंग हुई है वो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से आखिरी समय में प्रधानमंत्री ने 27 रैलियां महाराष्ट्र में की और 11 रैलियां हरियाणा में की, पूरा जो चुनाव है उनके चेहरे पे लड़ा गया। किसी को भी मुख्यमंत्री पद के लिए अनाउंस नहीं किया गया, ना हरियाणा में और ना महाराष्ट्र में। आज हम इन सब चीजों पर डिबेट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो शीर्ष नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का वो ये मान के चल रहा था कि पहले हम नंबर्स ले आए, जब नंबर्स आ जाएंगे तो उसके बाद फिर बैठ करके तय हो जाएगा कि किसको बनाना है। मुख्यमंत्री बनाना जो है मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। अब चूंकि एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं और इतना बड़ा टर्नआउट, अगर हालात पर अगर बात कर ली जाए यहाँ पर किस तरीके की परिस्थितियां रही है तमाम बीजेपी के, जब भी किसी बड़े नेता की तलाश की गई है। अभय जी मैं अपनी बात को कंप्लीट कर लूं। सबसे बड़ी बात यह है कि सुमित, हमको ये देखना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कैंपेनिंग करके और जितनी बड़ी उनकी कैंपेनिंग करते हैं, बिल्कुल हाँ, लेकिन अगर और हरियाणा के अंदर करते हैं और स्ट्रेटजी के तहत, लेकिन किसी को भी मुख्यमंत्री नहीं, लेकिन अगर हरियाणा के एक आम आदमी की बात कर ली जाए, वो जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को वोट दे सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक ऐसे चेहरे की तलाश में होगा जो सीधा उसके सरोकार में हो। अगर मैं ग्रामीण इलाकों की बात करूं तो कहीं ना कहीं राजनीतिक परिपक्वता उन लोगों के अंदर शायद शहरी से ज्यादा होती है, और वो शायद अपने नेता से रूबरू होना ज्यादा पसंद करते हैं। ये परिस्थितियां बीजेपी के सामने नहीं आएगी अभी जी? देखिए, जहां तक मैं बताऊं कि जैसे कि अभी अपने हरियाणा और ये जो 378 जो असेंबली सीट्स के जो पोल हो रहे हैं, मैं इस पोल के बारे में सबसे बड़ी बात है कि लो स्कोरिंग मैच है, कि इसमें इतना लो स्कोरिंग मैच है कि वह व्यक्ति भी चुनाव जीत सकता है जो व्यक्ति अपना जमानत नहीं बचा पा रहा हो। इवन कि इन सीटों पर 378 जो बीजेपी के बीजेपी की तरफ से नहीं किसी की तरफ से, मैं एक से बात कर रहा हूँ कि 378 सीट का जो मैंने आप लोग जो एग्जिट पोल पर इतना ज्यादा फोकस है, ठीक है एग्जिट पोल सही भी होंगे, होते भी हैं, गलत भी थोड़े हो जाते हैं अपने, लेकिन ये सब इतनी लो स्कोरिंग मैच है हरियाणा में भी और महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में चूंकि चारों पार्टियां और एमएनएस को भी थोड़ा पकड़ ले, उनका जो सर्टेन पॉकेट है, चार पार्टियां बेसिकली, इतनी मतलब पार्टियां इतनी जगह वोट बांट रहे हैं कि इतनी लो स्कोरिंग मैच है, इतने कम वोट लाकर के लोग चुनाव जीतेंगे कि इवन वह व्यक्ति भी चुनाव जीत सकता है जो व्यक्ति अपना जमानत नहीं बचा पा रहा हो। अंडरस्टैंड कि जो व्यक्ति, वह व्यक्ति भी इन सीटों पर चुनाव जीत सकता है, जो अपना जमानत ही नहीं बचा पा रहा वो भी जीत सकता है। तो इस स्थिति में हरियाणा के केस में थोड़ा ज्यादा है। तो यह कहना कि मैंने बीजेपी इतना सीट लाएगी, ये थोड़ा सा इलेक्शन का रिजल्ट आया उसके बाद हम लोग कहें तो ठीक है, लेकिन आपने जो चीफ मिनिस्टर की बात कही, एक बात हो तो चीफ मिनिस्टर के लिए जो इनकी 6-7 नाम जो आप लोग रन कर रहे हैं उसमें 2-3 तो ऐसे होंगे जो चुनाव हार जाएंगे, उसके बाद आइए 2-3 पर जो बचेंगे, 2-3 पर जो बचेंगे उसमें सुषमा स्वराज को तो पूरी तरह आप एक कर दीजिए, क्योंकि सुषमा स्वराज किसी कीमत पर वहां नहीं चुनाव हार जाएगा। इसमें अगर यहां पर बात कर ली जाए, अगर हरियाणा के अंदर चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट है, मैं बताता हूँ आपको, नहीं यहाँ पर अगर हरियाणा के अंदर बात कर ली जाए, कैप्टन अभिमन्यु चुनाव हार जाएंगे, नहीं मैं तीन चुनाव में 6-7 जो नाम चला रहा हूँ उसमें कोई 2-3 तो हारेंगे ही हारेंगे, इतना तो तय मानिए, क्योंकि लो स्कोरिंग मैच अच्छा, कौन कहां से कितनी वोट के हरियाणा में ऐसा कुछ होगा। देखिए क्या कहते हैं सुमित जी, बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि कौन हारेगा कौन वो होगा। हरियाणा को अगर आप एक तरीके से समझे, हरियाणा के पूरा इलेक्शन है, हरियाणा और महाराष्ट्र के मुद्दे बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट है। महाराष्ट्र लड़ता है अपनी एक मराठवाड़ा,
और डेवलपमेंट पे। हरियाणा की जो इलेक्शन की लड़ाई है वो होती है चौधराहट पे, क्योंकि यहाँ पे एक चौधराहट होती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी रोहतक की चौधर के पीछे इलेक्शन लड़ा, तो भजन लाल जी थे वो अपने क्या कहते हैं वही थी पश्चिमी हरियाणा की अपनी चौधराहट के ऊपर, चौटाला साहब है वो अपनी चौधराहट के ऊपर। अब जो वीरेंद्र सिंह जी आए हैं जो वो मांग रहे हैं, वो कह रहे जी मुझे जींद की या बांगड़ की मुझे चौधर चाहिए, और रामविलास शर्मा जी मुझे कहिए दक्षिण भारत की मुझे चौधर लेके आनी है, उत्तरी हरियाणा की मुझे चौधर चाहिए, मनोहर लाल खट्टर जी वो लेके आ रहे हैं, कृष्ण पाल गुर्जर साहब हैं जो केंद्र में एक राज्य मंत्री वो कह रहे हैं मुझे क्या कहते हैं ईस्ट इंडिया की मतलब उत्तरी हरियाणा की चौधर लेके आनी। हरियाणा इतना छोटा स्टेट है जहां पे करीबन करीबन पौने दो लाख एक करोड़ साठ लाख वोटर्स हैं, वहां पे बीजेपी के सात से आठ कैंडिडेट चीफ मिनिस्टर के हैं, कैप्टन अभिमन्यु साहब नंबर वन पे चल रहे हैं, लोगों की जो परसेप्शन सोशल मीडिया पे और लोगों के उसमें चल रहा है। उसके बाद आप आ जाइए एक ओपी धनखड़ साहब जिसके लिए राजनाथ जी जाके उसकी रैली के अंदर बोल गए कि आप इनको जिताइए हम बहुत कुछ बनाएंगे, और क्या पता इतना भी कुछ बना दें कि ये आपके सब कुछ वही हो जाए। और उसके बाद आ जाइए एक सबसे बड़े एक इनके लिए एक बड़ा एक क्या कहते हैं छुपे रुस्तम कह लीजिए या एक हॉर्स कह लीजिए मनोहर लाल खट्टर जी, जो एक पूरे आरएसएस की बैकग्राउंड से हैं, बिल्कुल मोदी की तरह उनका वर्किंग स्टाइल है, मोदी की तरह लिविंग स्टाइल है, वही लाइफ स्टाइल है, और मोदी साहब के सबसे क्लोजेस्ट आदमी है। मोदी साहब जितने भी इलेक्शन लड़ते हैं उनके सबका मैनेजमेंट उन्हीं के पास होता है, लास्ट का बनारस का मैनेजमेंट उन्होंने किया। मोदी ने इलेक्शन कैंपेनिंग की हरियाणा में, पहली हरियाणा में कदम रखा मनोहर लाल खट्टर साहब की करनाल कंस्टिट्यूएंसी से रखा, सबसे सेफ सीट उनको दी, मतलब मेरा कहने का मतलब ये कि उसके बाद आप आ जाइए रामविलास शर्मा जी, राव इंद्रजीत जी, कृष्ण पाल गुजर जी, जो वीरेंद्र सिंह जी, ये आठ कैंडिडेट ऐसे हैं कि देखिए मोदी साहब के लिए यहां पे इतना इजी नहीं है अगर ये पावर में आते हैं तो। और उसके बाद सुषमा स्वराज जी का तो कोई सवाल ही कैंडिडेट्स है, उन पर भी कहीं ना कहीं मंथन करना। हाँ हाँ, तो उसके अंदर भी मैं कह रहा हूं कि अगर जैसे ही आपने अगर कैप्टन अभिमन्यु को बनाते हैं तो रामविलास शर्मा जी और ओम प्रकाश धनखड़ जी और उसके साथ में चौधरी वीरेंद्र सिंह जी अपना इस्तीफा लेके अमित शाह के घर बैठे मिलेंगे आपको। हरियाणा इतनी शॉर्ट यहाँ के टेम्पर्ड, क्योंकि ये इतने लोग हैं ना यहाँ के थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, दिल्ली नजदीक होने की वजह से हर डिफरेंट पार्टीज के लोगों से उठना पहुंच जाते हैं, जल्दी पहुंच जाते हैं, तो यहाँ पे जेब के अंदर पेपर मिलना और एक मिनट में धमकी देनी है जी हम पार्टी चेंज कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट जाएंगे, अलग पार्टी खड़ी कर देंगे, क्योंकि अलग पार्टी खड़ी करना हरियाणा में शौक बन गया है। दीपिका जी, हरियाणा से दिल्ली की दूरी ज्यादा कम ज्यादा वक्त में तय नहीं होगी, बहुत जल्दी हो जाएगी अगर ये परिस्थितियां बनी तो। देखिए सुमित जी, ओवरऑल अगर हम समअप करें इसको, देखिए पहले तो सबसे मुश्किल सवाल आपका भी सर्वे या कुछ करीबन 14 सर्वे अभी तक हुए हैं, 14 सर्वे ने अपने रिपोर्ट दिए, उसके अंदर से 6 सर्वे ऐसे हैं जो अभी बीजेपी को पावर में नहीं दिखा रहे, 8 सर्वे ऐसे हैं जो बीजेपी को कुछ पावर में लेके आ रहे हैं और कुछ क्लोज टू द पावर लेके आ रहे हैं। ये तो एक 19 तारीख को ही पिटारा खुलेगा, बीजेपी का भी देखो बैलेंसिंग इनको करनी चले पड़ेगी। आज का एक आपको फुस्सा चला, एक लास्ट लाइन ऐड करना चाहूंगा, आज का जो लास्ट का जो एक बम गिरा है उसमें ये गिरा है कि भाई क्या कहते हैं बीजेपी और चौटाला साहब नजदीक नजदीक आएंगे, ये अगर सरकार नहीं बना पाते हैं तो ये कहेंगे चौटाला साहब को आप बनाइए लेकिन आप अपनी फैमिली का मेंबर मत बनाइए, क्यों कोई बाहरी आदमी दीजिए हमें, हम आपको बाहर से समर्थन देंगे। हाँ तो देखिए चौटाला साहब को, हाँ चौटाला साहब के लिए इतनी बड़ी मुश्किल खड़ी कर देंगे, या तो हमें समर्थन दीजिए, अगर आपको बनना है पहले आपको बनना है तो आप अपनी फैमिली को मैनेज कर दो, आप किसी एक ऐसा चेहरा लेकर आइए जो सबको मान्य हो, हम आपको समर्थन देंगे। ये एक नया कोई तस्वीर बन सकती है दीपिका जी की, अगर जाहिर है आप मेरे को फिर मुझे फिर एक बार फिर से दिलसन की बात याद दिलवाएंगी, उन सर्वे तो मैंने बात कर ली, अब जो सर्वे बाकी है उन पर भी बात कर लेते हैं, जिनका कहना है कि कहीं ना कहीं सर्वे जो पूर्ण बहुमत है उससे आप 9-10 सीटें पीछे हैं, अगर ये परिस्थितियां बनती हैं तो इनेलो का साथ लिया जाएगा? सुमित, ये फैसला तो सेंट्रल लीडरशिप को लेना है, हमारे हाईएस्ट टॉप लेवल लीडर्स को लेना है, पार्लियामेंट्री बोर्ड को लेना है, पहली बात। परंतु दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि राजनीति में कोई भी विरोधी नहीं होता है, और आपको स्थिति के परिस्थिति के हिसाब से आपको अपने आंकड़े देखने होते हैं, आपको अपना बल देखना होता है, और उसके हिसाब से मैं हुड्डा साहब की बात से सहमत हूं कहीं ना कहीं पे कि अगर फर्ज कर लो कि वो परिस्थिति आती है तो परिवारवाद में, क्योंकि भाजपा विश्वास नहीं करती और करप्शन में नहीं करती, तो उनको एक ऐसा चेहरा चाहिए होगा जो चेहरा साफ होगा और हरियाणा को गुड गवर्नेंस देगा। मैं आपको आज ही बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जो राज्य है हरियाणा है वो पार्टी से भी ऊपर है, और जो राज्य है जो हमारा देश है वो राज्य से भी ऊपर है। तो कहीं ना कहीं पे पार्टी अगर हरियाणा का हित चाहेगी तो मैं समझती हूँ उपयुक्त कार्य करेगी। नहीं लगता बीजेपी जो है इस वक्त अगर ये परिस्थितियां बनती हैं जो बाकी सर्वे दिखा रहे हैं जिसका आपने जिक्र किया, उसके अलावा यानी जिन्हें पूर्ण बहुमत जहां पर आपको नहीं मिल रहा है हरियाणा के अंदर,
वहां दोहरी परिस्थितियों में आप कहीं ना कहीं उलझ सकते हैं अगर यही परिस्थितियां रही। एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि आप मुख्यमंत्री से मिलने जेल जाएंगे या फिर चंडीगढ़ आपको आसान पड़ेगा, अगर उसके बाद बादल इनेलो के मंच पर दिखते हैं तो जाहिर सूत्रधार की भूमिका कही जा सकती है। तो उसके बाद सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि अगर ये परिस्थितियां बनती हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी के सामने दोहरे मापदंड वाली जो परिस्थिति बन जाएगी, एक तरफ मोदी का चेहरा है जिसके सुशासन की आप बात कर रहे हैं, एक तरफ ओम प्रकाश चौटाला का। देखिए सुमित, ये जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न है और ये मैं समझती हूँ इस समय ये स्पेकुलेशन की डोमेन में है। अगर आप ये प्रश्न मेरे से रविवार की संध्या को पूछते हैं, शाम को पूछते हैं, तो ये फिर भी जायज है। आप आइएगा फिर एक बार, फिर से मैं आपसे पूछूंगा। लेकिन इस समय मैं समझती हूँ इनसे बात करना भी बिल्कुल। एक लाइन ऐड करूंगा सुमित, मैं बहन जी वाली एक लाइन पे एक ऐड करना चाहूंगा। हमें ये नहीं बोलना चाहिए इस वक्त भी सुमित जी, INLD बीजेपी को सेंटर के अंदर सपोर्ट दे रखा है। INLD ने जैसे ही उठ लिए, उनके दो मेंबर पार्लियामेंट है, इलेक्टेड मेंबर पार्लियामेंट है, उन्होंने समर्थन दिया हुआ है। और इसके साथ में इन एडिशन टू दैट मोदी साहब ने जो जेल की बातें की हैं, ये पहली 5-6 रैलियों में नहीं की है। जो लास्ट की 3-4 रैली थी ना, जब मोदी साहब ने कहा कि मुझे विधानसभा लंगड़ी में दे देना, मुझे मेजोरिटी में लेके आना, मैं जेल, वो एक देखो मोदी साहब ने अंदर दिल से बातें नहीं की है, ये उनके मुंह में डाली गई है। ये हरियाणा के लोगों को भी विश्वास है। देखिए ये तो हमें मानना पड़ेगा कि मोदी साहब एक इतना ज्यादा वो डिस्टेंस नहीं मेंटेन करके रख रहे इनेलो से, वो कहीं ना कहीं उनके पास सॉफ्ट कॉर्नर है क्योंकि वो चौटाला फैमिली के साथ वो काम कर चुके हैं, वो उनके संगठन से वाकिफ हैं। मेरा अपना ये मानना है। अबे जी देखिए, जहां तक बात है कि मुझे तो किसी तरह से ऐसा माने नहीं लग रहा है कि नरेंद्र मोदी ओम प्रकाश चौटाला के साथ जाएंगे किसी कीमत पर। वहां सरकार ना बने, वहां जैसे दिल्ली में अब सस्पेंडेड एनिमेशन में विधानसभा है, वो चेहरा ब्लैंक हो सकता है जो दिखाया गया है अब तक सुशासन का, उस पर सवाल तो उठेगा ना फिर अगर ये परिस्थितियां बनती हैं। और नरेंद्र मोदी अभी चूंकि सत्ता की शुरुआत की, इनको लंबी पारी खेलनी है। उन्होंने एक बार बोला भी कि 2024 तक तो मैं फिक्स हूं यहां, तो उनको भी लंबी पारी खेलनी है। तो अभी ऐसा कोई 90 सीट के लिए हरियाणा स्टेट के लिए वो ऐसा भी कोई रिस्क नहीं लेने जा रहे हैं। दिल्ली वो मतलब दिल्ली में ऐसी सरकार, मतलब दिल्ली में सस्पेंडेड एनिमेशन में है, लेकिन वहां सरकार बनाने का चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन बनाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। सिमिलरली वहां पर हरियाणा में भी नहीं करेंगे, और तब जबकि वहां पर इनके साथ इनके इतने आप बता रहे हैं जैसे कितने चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं, और उसके बाद अगर उनके साथ जुड़े तो कतई ऐसा नहीं होगा। वो नरेंद्र मोदी अगर ऐसी परिस्थिति आएगी, 2-4-5 सीट घटेगी, तो जैसे HGSC को पिछली बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तोड़ लिया था, तो इंडिपेंडेंट्स को HGSC वगैरह से अगर इनका काम चल जाए, जो उनके पार्टी में शामिल हो उससे काम चल जाए तो करेंगे, लेकिन वो चौटाला के साथ कतई नहीं जाएंगे। और तब फिर मैं वही बात दोहरा रहा हूं कि तब जब इनके पास इतने चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट है कि ये को मनाएंगे तो चार आदमी नाराज होकर ट्राई किया जाएगा। दुर्गेश जी, विकल्प दूसरे ही तलाशे जाएंगे, INLD के साथ बीजेपी नहीं जाना चाहेगी, लेकिन सवाल ये है कि अगर बादल मंच पर दिख रहे हैं तो ये इशारा किस ओर है? देखिए ये राजनीति है, हम लोगों को ये बात बिल्कुल समझनी पड़ेगी, और अभय जी की बात बिल्कुल एक हद तक मैं उससे सहमत हूँ, क्योंकि अभी जो इलेक्शन जो लड़ा गया है वो गुड गवर्नेंस के इशू पर है। प्रधानमंत्री लगातार सुशासन के नाम पर वोट मांग रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि अभी चौटाला जी तिहाड़ में है, और जिस तरह से CBI ने दबाव दिया और फिर दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद उनको फिर से जाना पड़ा, ये सब सारी परिस्थितियां लोग देख रहे हैं, उसके बावजूद इतना बड़ा टर्नआउट हुआ है। तो कहीं ना कहीं अभी भारतीय जनता पार्टी के हौसले बुलंद है, और पार्टी ये चाहेगी कहीं ना कहीं कि उसको मेजोरिटी हासिल हो। प्रधानमंत्री लगातार जो है एक लोगों से अपना कनेक्शन बनाने में कामयाब भी रहे कि भाई आप हमको कंप्लीट मेजोरिटी दीजिए, लंगड़ी सरकार मत दीजिएगा, क्योंकि लंगड़ी सरकार के नुकसान आप देख चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि और दिल्ली का उदाहरण हमारे सामने है, तो हम इस वक्त थोड़ा सा ये मानना मुश्किल है कि किसी भी ऐसे दल जिस पर करप्शन के आरोप हैं, उस दल से भारतीय जनता पार्टी कोई गठबंधन करना चाहिए। तब जबकि तुरंत बाद अभी के से लगभग 100 दिन के अंदर में दो स्टेट जम्मू कश्मीर और झारखंड में चुनाव, झारखंड के चुनाव, उसके बाद फिर बिहार में मान के चलिए कि अप्रैल मई तक वहां भी चुनाव हो सकता है। तो तब जबकि इस स्थिति में अगर ऐसा नरेंद्र मोदी अगर अभी ओम प्रकाश चौटाला के साथ चले जाते हैं, तो उनको जो अगले जो स्टेट में जो चुनाव होने हैं वहां पर इनके प्रतिद्वंदियों को इनके खिलाफ दुष्प्रचार करने का काफी मौका मिलेगा। और जैसा कि हमारे मित्र बता रहे हैं कि अभी भाजपा उफान पर है, अभी भाजपा जब ढलान पर होती है, अगर चलो भैया किसी तरह मुझे एक दो सत्ता लेकर के तो यह संभव था कि ओम प्रकाश चौटाला पर भी विचार करते, लेकिन अभी बीजेपी उफान पर है, बीजेपी को बहुत लंबी छलांग लगानी है, तो अभी वैसा कोई वेंचर करने पहले बहुत सोचे। एकला चलन वाली जो नीति है उसी पे ही कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाएगी। नहीं बिल्कुल, देखिए बीजेपी की फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहेगी कि जैसे मोदी साहब ने खुद विजन लेके चले हैं कि
हिंदुस्तान में दो ही पार्टियों का वजूद रहना चाहिए, वो उनका अपना मानना है, वो ठीक है पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं वो कह चुके हैं, लेकिन जितने पॉलिटिकल पंडित्स हैं वो ये जज कर रहे हैं। मोदी साहब ने जिस तरीके से 25 साल पुराना शिवसेना के साथ तोड़ा, हरियाणा में हज़ का साथ तोड़ा, नेक्स्ट बादल साहब के साथ जाने वाले हैं, वो भी हालात ऐसे पैदा हो गए, सिद्धू नवजोत सिंह सिद्धू ने इंडिकेशन देने स्टार्ट कर दिए पंजाब में भी, क्योंकि देखिए तीन चार ही गिनी चुनी पार्टियां थी, नीतीश कुमार जी के साथ ऑलरेडी ये अलग हो चुके हैं। तो देखिए मोदी साहब का जो है, मोदी साहब ये चाह रहे हैं ठीक है हम कम स्टेट में रूल करें ज्यादा करें, लेकिन हिंदुस्तान में दो ही पार्टियां बीजेपी वर्सेज कांग्रेस ही फाइट होनी चाहिए। लेकिन देखिए सुमित जी, अगर आप देखें पूरे इंडिया को एनालाइज करें तो इंडिया के अंदर रीजनल पार्टी ही ज्यादा डोमिनेट कर रही है, जो डेवलपिंग अच्छे जिसको हम कहते हैं स्टेट्स जहां पे बहुत सारे रेवेन्यू जाते हैं उसको रीजनल पार्टी ज्यादा वो डोमिनेट कर रही है। तो मोदी साहब ने जो हरियाणा में है, जैसे उन्होंने बार बार, क्योंकि उनके इंटरनल सर्वे ने यह कहा कि हरियाणा में हालात मुश्किल है, उन्होंने महाराष्ट्र में यह नहीं कहा मुझे लंगड़ी सरकार दो मत देना या ऐसा मत करना, उन्होंने सिर्फ हरियाणा में ऐसी स्टेटमेंट दी है कि बार बार तीन बार बोला कि ऐसा हाल मत कर देना कि आप लोगों को मुश्किल हो जाए, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है उनमें। देखिए जहां तक हम चौटाला साहब की बात कर रहे हैं, अगर उनको चौटाला साहब के साथ भी जाना पड़ा है तो आज जो स्टेटमेंट कुछ लोगों की सुन रहे हैं कि इसमें चौटाला साहब की फैमिली को माइनस कर सकते हैं कि चौटाला साहब को कहेंगे भी आप रिमोट से चलाओ लेकिन अपना फेस दे दो, ये एक ऑप्शन हो सकता है। अदरवाइज जहां तक हजका की बात है, हजका तो आज उस मुकाम पे बैठी है कुलदीप बिश्नोई जी की, एक तरीके से राजनीतिक हत्या होगी ये बीजेपी ने, अगर बीजेपी हजका के साथ होती तो आज वो उनको कोई रोकने वाला नहीं था, पावर में होते। कुलदीप बिश्नोई को अज्यूम करना वो इनके साथ है, जिसकी आप राजनीतिक हत्या करते वो आपके साथ आएगा, विनोद शर्मा जी को आपने पार्टी में नहीं लिया जिसको ब्लॉक कर दिया वो आपके साथ आएगा। देखिए ये राजनीति में संभावनाओं का खेल है, लेकिन बीजेपी अपना ये चल रही है कि हम इंडिपेंडेंट सरकार बनाएंगे चाहे वो किसी भी तरीके से बनाएंगे, अगर कहीं हंग में फंस गए हैं पहल हम नहीं करेंगे, ये एक बीजेपी ने अपनी तरफ से एक्सटेंड लिया है, अगर हंग भी हो गए पहल हम नहीं करेंगे। ठीक है अब जी, देखिए जहां तक अगर जैसे कि आप जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, अपना जो दिखा रहे हैं, अगर यह सही साबित हुआ तो सबसे पहले तो कांग्रेस टूटेगी दोनों स्टेट में, इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इन स्टेट ऑफ हरियाणा, बीजेपी अगर 5-6-7 सीट की कमी हो जाती है तो, और जैसे कि आप दिखा रहे हैं 36-16 दिखा रहे हैं, तो अगर यही पर आके अगर रुक जाती है तो आप जान जाइए कि बहुत मतलब नरेंद्र मोदी इस काम में भी थोड़ा समय लगाएंगे कि भैया तुरंत हम अगर पार्टी उधर से अगर विधायक टूटने को भी तैयार होंगे तो नरेंद्र मोदी वहां के लोगों को इशारा देंगे कि अभी रुको इनको थोड़ा दिन धीरे धीरे लो, क्योंकि एकाएक हम पर आरोप लगेगा कि आप विपक्षी दलों को तोड़ रहे हैं। तो अगर आपकी ये दोनों स्टेट की जैसे मैं देख रहा हूं कि अगर सही है तो वहां एनसीपी और कांग्रेस भी टूटेगी और यहां भी कांग्रेस टूटेगी और सारे लोग बीजेपी की तरफ जाएंगे, बीजेपी जिन लोगों को ले सकती है। तो वही बात रहा, तो देखते हैं कि आगे कैसे कैसे होता है कि बीजेपी अगर सबसे लंबी बड़ी पार्टी हो जाती है और 5-6-7 या कुछ सीटों की कमी होती है तो बीजेपी को रेबल फैक्टर से या इंडिपेंडेंट फैक्टर से इतना सपोर्ट मिल जाएगा। रेबल की मैं बात करता हूं, एक लाइन ऐड करूंगा, अगर इस तरह का अगर मोदी साहब का विजन नहीं लगा, अगर इस तरह करना होता तो उत्तराखंड में कर चुके होते, झारखंड में कर चुके होते, दिल्ली में कर चुके होते। देखिए मोदी साहब ने अपनी इमेज बनाई है, इमेज बिल्डिंग पे इतना पैसा खर्च किया उन्होंने और इतनी मेहनत की इमेज बिल्डिंग पे, अगर वो इस तरह का स्टेप लेते तो सबसे पहले आम आदमी के साथ उत्तराखंड में करते या झारखंड में करते, कम से कम 2 महीने बाद परिस्थिति बनाने के बाद करें। देखिए अभय जी, 6 महीने कम से कम मोदी साहब को होने वाले हैं, उत्तराखंड में करते एक्सपेरिमेंट, झारखंड में करते, दिल्ली में करते, मोदी साहब को इस तरीके से सोचना या उस दायरे में लेके आना कि वो रेबल्स को लेके आएंगे तोड़ कर लेके आएंगे, मेरा मानना ये ठीक नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं कि तोड़ कर लाएंगे, टूट कर खुद ऐसी परिस्थिति बन जाएगी कि कांग्रेस में लोग रहना नहीं चाहेंगे, लोग इधर अपने आप आने। देखिए अभय जी, आप मोदी साहब ने अपना एक नेशनल लेवल का कद नहीं, अब वो इंटरनेशनल लेवल का कद लेके आ गए हैं। देखिए वो इन चीजों से ऊपर उठ चुके हैं, दो स्टेट में कम सरकार चला लेंगे लेकिन वो अपने पूर्वस्थ ग्लीन लगाएंगे। मेरे ख्याल में दीपिका जी इसको बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगी कि जो मेरी बात को आगे कंटिन्यू कर सकती है। दीपिका जी नहीं, बिल्कुल मैं हुड्डा साहब के बात से पूर्ण रूप से सहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी ना करप्शन के इश्यू में, ना परिवारवाद के साथ, ना किसी ऐसे संगठन के साथ जो पब्लिक परसेप्शन में और एक्चुअल ऑन ग्राउंड में जिसने अच्छा डेवलपमेंट नहीं दिया, जिसने करप्शन किया, हमारे जो लीडर हैं उनके साथ जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगे। मैं हुड्डा साहब की बात से कंप्लीट रूप से सहमत हूं और हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी ने जीरो टॉलरेंस टू करप्शन, ये हमारे मैनिफेस्टो में है। तो मैं समझती हूं कहीं ना कहीं पे हमारा जो सेंट्रल लीडरशिप है, अगर ये परिस्थितियां बनी, पूर्ण बहुमत ना मिला, साथी नहीं मिले, तो बीजेपी पक्ष में बैठेगी। हमें कोई दिक्कत नहीं है नहीं चला, बैठने की नेलों का साथ लेने की कोशिश नहीं की जाएगी। देखिए करप्ट लोगों का साथ नहीं देना है, गलत लोगों का साथ नहीं देना है, दामाद सरकार का साथ नहीं देना है, करप्ट लोगों का सरकार
का साथ नहीं जी, दवा तो आई नहीं रहे, दवा तो अपनी घोषणा की वेट कर रहे हैं। मैं केवल उदाहरण दे रही हूँ कि अगर कांग्रेस ने कुछ चैनलों में ये कहा है कि उसको जितनी भी सीटें मिलती हैं तो वो इनके साथ इनेलो के साथ वो कर लेगी, अलायंस कर लेगी, तो मैं केवल भाजपा का पक्ष सामने रख रही हूँ कि हमें विपक्ष में बैठना मंजूर है लेकिन किसी भी करप्ट पार्टी के साथ, चाहे वो महाराष्ट्र में एनसीपी हो, चाहे हरियाणा में कोई भी पार्टी हो, इनेलो हो, हम उसके साथ नहीं जाएंगे। ठीक है, बीजेपी साथ नहीं जाने वाली। लेकिन दुर्गे जी, अब दोनों राज्यों की अगर हम बात कर लें, अपनी टिप्पणी दे दीजिए संयुक्त रूप से, बीजेपी के लिए आसान रास्ता क्या होगा मुख्यमंत्री चेहरे के लिए, क्योंकि अगर यहां पर जातिगत राजनीति से ऊपर उठने की बात की जा रही है, कम से कम फिलहाल जो परिस्थितियां रही हैं महाराष्ट्र और हरियाणा के अंदर वो अभी तक तो नहीं बदली हैं, आगे बदल जाए, कोई चमत्कार हो जाए तो बात अलग है। देखिए सुमित, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो एक जो कॉमन नाम जो सबसे ज्यादा जो है चर्चा में भी है, निकल करके भी आ रहा है, और प्रधानमंत्री की भी कहीं ना कहीं, अब इस बात की घोषणा तो खैर चुनाव के नतीजों के बाद होगी, लेकिन जो है फडणवीस जो है देवेंद्र फडणवीस कहीं ना कहीं एक नेचुरल च्वाइस हो सकते हैं। हरियाणा में जैसा कि अभी हुड्डा साहब कह भी रहे थे, निश्चित रूप से नेतृत्व के लिए बड़ा मुश्किल होगा चुनना, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी स्ट्रेटजी वो हमेशा 10 कदम आगे सोच के चलते हैं, और मुझे लगता है कि कोई ना कोई निश्चित रूप से कोई अच्छा चेहरा निकल के हरियाणा और महाराष्ट्र के अंदर। देखिए हाँ, बीजेपी के लिए जब मेरा मानना है कि महाराष्ट्र एक इतनी बड़ी स्टेट है और बहुत मैच्योर स्टेट है, वहां की पॉलिटिक्स पूरे देश को इन्फ्लुएंस करती है, वहां इनको कुछ समय के लिए नितिन गडकरी साहब को लाना चाहिए। और जहां तक हरियाणा की बात है, अगर हरियाणा में ये इंडिपेंडेंट आते हैं तो मेरा ये मानना कि कैप्टन अभिमन्यु जी इज द बेस्ट हॉर्स फॉर देम, वो एक चीफ मिनिस्टर मटेरियल है, यहाँ पे बहुत ही एक चीफ मिनिस्टर के कद के लायक है। अबे जी, फडणवीस एंड कैप्टन अभिमन्यु आर द बेस्ट बेट फॉर द बीजेपी इन बोथ स्टेट्स। कैप्टन अभिमन्यु इसे नहीं पूछूंगा, वो 19 अक्टूबर को इसका जवाब देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सवाल कहीं ना कहीं जहन में अब भी यही है कि चेहरा कौन होगा, लेकिन 19 अक्टूबर का इंतजार कीजिए, फिर से आएंगे और बताएंगे कि बीजेपी की तरफ से कौन चेहरा हो सकता है। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।